वार्ड नंबर 35 में कांग्रेस पार्टी की तरफ से महिला प्रत्याशी गुरप्रीत कौर के पति वरिंदर सिंह लक्की पहलवान की ओर से वार्ड में चुनाव प्रचार किया गया, जहां उनके साथ कांग्रेसी समर्थक व वार्डवासी मौजूद रहे। वहीं जानकारी देते हुए वरिंदर सिंह लक्की पहलवान ने कहा कि वह लोगों की सेवा करने व उनकी समस्याओं का हल करने के लिए मैदान में आए हैं। उन्होंने कहा कि अगर वार्ड नंबर 35 के लोग उन पर अपना विश्वास दिखाते हुए उन्हें जिताकर नगर निगम में भेजते हैं तो वह वार्ड की हर समस्या का हल जरूर निकालेंगे और वार्ड की नुहार को जरूर बदलेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो लोक हित के लिए कार्य करती है, इसलिए लोग 14 फरवरी को कांग्रेस पार्टी के चुनाव चिन्ह पर मोहर लगा उन्हें सेवा का मौका जरूर दें। चुनाव शुरू हो गया जी, अही डोर टू डोर घर घर जा रहे हैं, बड़ा वधिया रिस्पोंस मिल रहा। हाँ जी, की रणनीति हैगी अगली अपनी? रणनीति सर हफ्ता एक रहिंदा इलैक्शनां दे विच, साडी कोशिश यही है कि जिन्ना डोर टू डोर अही कम कर लीए और मतलब समस्या जिनी लोगों दी वो भी हल करिए, जिहड़े छोटे छोटे काम आ और जिहड़ियां गलियां अही दो गलियां भी बना रहे हैं और कोशिश यही है कि वध तो वध लोगों के काम करिए और लोगों के नाल जुड़िए। इलैक्शन जितने तो बाद अपना एजेंडा की है अगे? इलैक्शन जितने तो बाद देखो सर, साडा सुभा अही एक मतलब दिलों चलने वाले बंदे हाँ और जिन्ने को काम होंगे आ वार्ड के गलियां होन नाले सीवरेज वगैरह और परसनल जे कोई भी किसी का काम होए अही दिलों ही करांगे जी। मान सकते हैं कि तुसी इलेक्शन जीतने तो बाद अपनी गलों से खरे उतरोगे, जी मॉडल समस्यावान है वो सारिया पूरी होगी जी पिछले समय के नहीं हुई है? बिल्कुल जी, साड़ी कोशिश यही होगी कि जिहड़े काम पंजा सालां जां पिछले ज कई वरिया तो नहीं होए उही करांगे अही, जरूर करवांगे जी। नवयुग बंदे नूं असीं पूरा पूरा साथ देंगे। ये इलैक्शन जिहड़ा हुंदा पार्टी बाजी तो उठ के हुंदा, इहदे विच किसी पार्टी का कोई मतलब नहीं है। असीं चाहवांगे कि जो अही वोटां नूं पा रहे हैं उन्हां दा पूरा पूरा उन्हां कोलों लाभ वसूल करिए। जो काम साढ़े पिछले 5 सालों तो जो साढ़े पिछले पार्षद ने उन्होंने कोई काम साढ़े वार्ड 'च नहीं किया, इत्थों तक कि कोई सड़क तक नहीं बनाई, उहदा इक कारण सी क्योंकि उन्होंने कोई पार्टी नहीं सी उन्हां दी। कदी उन्होंने की किया पहला इलैक्शन जिते आजाद चो, उस तो बाद चल गए बीजेपी च, वो छड्डी बढ़ गए आप च, आप च उन्होंने MLA इलैक्शन लड़िया जिस उन्होंने 6000 वोटा मिली पूरे अपने पठानकोट में, उन्होंने भाई जी कोई वजूद नहीं है। वजूद उस बंदे का जो अपने धड़े खड़ा है, अपना अपनी पार्टी खड़ा है और काम पूरी तन मन मना करता है। ये साड़ा शख्स है, ये पंजाब यूथ अपने पठानकोट यूथ का प्रधान है, जो काम किए है करेगा, बनने तो पहला ही करेगा तो बाद की नहीं करेगा। इस सड़क का कार्य लगवाया, 3-4 गलियां जिहड़ियां बिल्कुल टुटी दी हैगियां वो बनवा रहा है, 4 मरले दे विच जिहड़ी नाले दी समस्या हैगा उहदा हल करा रहा है। जिस बंदे नूं पहला शौक है, युवा नेता ना इहनूं पहला शौक है जिहो जिहा काम कर रहा है, तो अगे दसो तुसीं की नहीं करेगा। साडे जिहड़ी वार्ड दी प्रॉब्लम है असीं उहनूं कह सकदे वी साडी प्रॉब्लम सोल्व कर, वह बंदा उत्थे लभदा ही नहीं, उहनूं कहना किसे ने की है? जिहड़ा बंदा अपनी वार्ड दे विच लभेगा ही नहीं, जिहदी पार्टी कोई नहीं, उहनूं समस्या की दसांगे? वो फिर जो होंगे जी साड़ी सरकार है नहीं जी, अं की कर सकते हैं जी, अं हूँ आप चल गए जी, अं हूँ अकाली जी बढ़ गए जी, उन्हें कोई काम नहीं करना जी। हूँ साड़ी मेरी आड़ी अपने वोटर अगर बेनती है, एक बारी इस युवा ने तुम्हें मौका दो ताकि वध चढ़ के काम करे, साड़ी सेवा करे और जो भी समस्या है पहल के आधार से हल करेगा। बस पठानकोट तो कैमरामैन अभिषेक भारद्वाज के नाल अजय सैनी की रिपोर्ट।